दोबारा से ये ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। धूप सामने वाले पहाड़ पर है और कितना प्यारा लग रहा है। इधर कहाँ निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है। अभी शाम की आरती हो रही है, घंटे घड़ियालों की आवाज। हे गाइस, क्या हाल है सभी के। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित। सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो तृष्णा और शौर्य जस्ट स्कूल से आए हैं। मैगी के दिखा रहा है मतलब सबको, हम सबके साथ मैगी खाएंगे। तो हम तीन जने और तीन मैगी, मुझे मिलेगी क्या? तो दोनों तो भाग गए भाई मैगी बनाने के लिए। शौर्य बना रहे हैं मैगी और बोला कि भाई मुझे तो नहीं मिलने वाली है। वैसे कल रात से ही बारिश पड़ रही थी यार। अरे तुम आगे चलो, जल्दी जाओ, जाओ चेंज करो, स्कूल ड्रेस चेंज करो, चलो भागो। तो कल रात से ही बारिश पड़ रही थी, 10 बजे सुबह जाके बारिश रुकी है, अब तो 12 बज गया है। तो आज क्या वेदर रहेगा शहर का और बाकी शहर का क्या हाल रहेगा वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोनों मजे से मैगी खा रहे हैं और शौर्य ने बना भी ली फटैक फटैक से। और जब मैंने कहा मेरे लिए तो कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो मैं भी तो था, जब तीन मैगी लाए थे तो एक तो खिला सकते थे मुझे। चलिए उस मुर्गे को पकड़ते हैं, चल आ जा बे। कबड्डी 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 कबड्डी, इधर इधर कहाँ निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, अभी रुक बेटे। कबड्डी 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 कबड्डी, आए हाय यार निकल गया। मुर्गे को ना पकड़ने के चक्कर में था लेकिन हाथ में ही नहीं आया, निकल गया यार, भाग गया बड़ी दूर। तो चलते हैं हम नीचे को, रास्ते में ही हूँ भाई। वेदर ऐसा हो गया ना ऑसम एकदम भाई, एकदम एकदम ब्लू स्काई है। तो सैटरडे है तो आज टाउन में थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकेंड पे नैनीताल में थोड़ी बहुत भीड़ आजकल देखने को मिल रही है। वैसे ऑफ सीजन ही है यार, यहाँ पर होटल रेट्स भी एकदम सामान्य चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि महंगाई, अब तो खैर नहीं है यार, बिल्कुल भी महंगाई नहीं हो रही है। ऐसा है ना 1000-1200 तक इस टाइम पर बहुत सारे मतलब रूम मिल जा रहे हैं इस बीच। बाकी क्या है, थोड़ा ठंडी सड़क की तरफ को चलते हैं, सैटरडे है तो शनि मंदिर तक होके आते हैं आज। ये रहा पूरा ठंडी सड़क वाला इलाका, वैसे इसको बोला जाता है श्री अरविंदो मार्ग। ठंडी सड़क तो हम लोकलाइट जो है ना हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब ठंडी सड़क इसलिए भी बोला जाता है ना क्योंकि पूरे नैनीताल शहर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि शेडेड एरिया है ना पूरा, जो सन है सामने वाले पहाड़ पर है, मतलब 12 बजे के बाद यहाँ पर शेडेड हो जाता है। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर पूरे शहर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे ही रहता है। हल्का हल्का सा ठंड फील हो रहा है और मैं आपको सामने वाला पहाड़ दिखाऊँ। देखो भाई कितना ब्राइट हो रखा है एकदम यार, देखो भाई पूरी धूप सामने वाले पहाड़ पर है और कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा बिड़ला विद्या मंदिर जो स्कूल है ना उधर ही है। ठीक मेरे पीछे रहा शनिदेव मंदिर और आज प्रसाद भी बट रहा है, तो चलिए हम प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। खिचड़ी बनी है और श्रद्धालु और भी आ रहे हैं और जो भी आता जाता रह रहा है ना प्रसाद लेते हुए जा रहा है। ग्लास हाउस के पास पहुंच चुका और अंदर लड़के हैं जो गाना आना गा रहे हैं मस्त एकदम मदहोश होकर। तो इसका खैर मज़ा यही है, यहाँ पर ना बहुत से आर्टिस्ट मैंने देखे हैं बैठ कर इंजॉय करते हैं। तो खैर लेट देम सिंग, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम थोड़ा और आगे को घूमने चलते हैं। वैसे बीच में ऐसा हो गया था ना जून जुलाई के टाइम पे कि इतना क्राउड है यार नैनीताल शहर में, मतलब परेशान हो गए सब जितने भी लोग थे ना यार, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। जैसा आजकल ऑफ सीजन में क्राउड चल रहा है ना, इतना क्राउड आए तो नहीं था शहर को कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हैवी टूरिस्ट आ जाता है ना उससे क्या होता है, जो पर्यटक आए हुए हैं उनको भी दिक्कत होती है और जो लोकल्स हैं भाई उनको भी दिक्कत होती है। फुटपाथ बाजार में देखो क्राउड देखने को अच्छा मिल रहा है। अभी ऐसा करेंगे थोड़ा सा मॉल रोड को चलते हैं, उसके बाद मैच भी देखेंगे यार, फुटबॉल मैच देखने का भी अलग मजा है ना। आज की अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, दिन में तो करीब 22 डिग्री था और शाम को ये 16 डिग्री जा रहा है और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है भाई, कल दोबारा से बारिश दिखा रहा है संडे में, तो देखते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे कल हो गई थी ना बारिश, कल की बारिश में भी मज़े आए, लेकिन आज मौसम बढ़िया रहा एकदम, कोई दूर दूर तक बारिश देखने को या मौसम ख़राब देखने को नहीं मिला है। अब दोबारा से संडे में बारिश दिखा रहा है। 6 बजने वाला है और मॉल रोड क्लोज होने में जस्ट 5 मिनट बचे हुए हैं, तो जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना हम लोग चलेंगे मॉल रोड को, तब अभी नहीं उजाले में नहीं जा रहे हैं। तो अभी ऐसा कर रहे हैं मैच देखने चल रहे हैं, फुटबॉल मैच। उधर भीड़ काफ़ी दिख रही है यार, आज नहीं लगा कि आई थिंक कोई फेवरेट टीम है जो खेल रही है, तभी चारों तरफ मुझे काफ़ी भीड़ दिख रही है। बैठ कर थोड़ी देर ना फुटबॉल मैच का आनंद लिया जाए। खैर मेरे सामने जो है ना जो नेपाली मूल के लोग हैं वो वॉलीबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा सीन है जब वो अपना दिनचर्या काम वाम निपटाने के बाद शाम को यहाँ पर आ जाते हैं तो इधर खेल रहे हैं। देखो ये यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं, मैच चल रहा है उधर को, आई थिंक यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो हमें थोड़ा उधर चलना चाहिए जहाँ पर को थोड़ी भीड़ हो रही है। भाई लोग खेल रहे हैं तो हम उधर को ही चलते हैं। देखो क्राउड देखो उधर को कैसा दिख रहा है ना, वहाँ से मतलब दिखता अच्छा है ना मैच। तो सामने भाई चल रहा है फुटबॉल मैच, कौन सी टीम जीतेगी पता नहीं, मुझे खुद ही पता नहीं, अभी तो आगे आके पूछना पड़ेगा आखिर क्या सीन है यार। वैसे मैं आया बैठा और अब क्या है, हाफ टाइम हो गया,
अभी हाफ ओवर बचा हुआ है। एक जो व्हाइट वाली ड्रेस वाली टीम है उसने एक गोल मार लिया है, एक लिमिक्स है और दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो है टीम, दोनों जो अलग अलग टीम है। सीन कुछ ऐसा है, घर को चल रहे हैं, थोड़ा कुछ मुझे मार्केट से सामान लेना है, तो खड़ी बाजार से होते हुए हेरिटेज मार्केट की तरफ को जाकर फिर वहां से घर को जाएंगे। तो एक छोटू सा मित्र मिला है, हेलो क्या हाल है, बढ़िया मस्त एकदम, आज बिस्किट मिले या नहीं मिले, इनसे पूछो आज बिस्किट मिले या नहीं मिले, मिल गए होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना बिस्किट खिलाने वाले, पता है मुझे। चलो थोड़ी हमारी बातचीत हो गई है, डॉग से ना बातें करने में इतने मज़े आते हैं ना, और कॉमेडी तब हो जाती है जब वो बातें करते करते हम लोग बातें कर रहे हैं और वो आँख मार दें यार, फिर तो मज़े आ जाते हैं लिटरली। बहुत बार मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, डॉग से बातों करें और टिंग करके आँख मार देते हैं। चलो एक अच्छा मूवमेंट हो गया। शाम होने लग गई है तो भीड़ भी चालू हो गई है, ट्रैफिक जाम दोबारा से लगना शुरू हो गया है शहर में। तो भाई पूरा हफ्ता दो हफ्ते बाद अब दोबारा से ये ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, नहीं तो सुनसान सूनी सूनी सी सड़कें हो रखी थी यार। आज ये लाइन देख के थोड़ा लग रहा है कि आज शहर में क्राउड है। फाइनली घर आ गया हूँ और घर आके ये जो तृष्णा मैडम है वो खेल रही है इड्डू पिड्डू ही खेलते हैं कहते हैं ना, इड्डू पिड्डू मतलब जो भी है। तो अभी हम भी खेलेंगे एक राउंड, मेरा भी है भाई। तो तृष्णा अपनी दोस्त के साथ खेल रही है, मैं थर्ड हूँ। लो भाई हम थर्ड हो गए, चलो वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर रेड वाले में डालता हूँ, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। चलो एक दो वापस, हाँ ठीक हो गया, आउट हो गए सारा, क्यों लिया अरे यार आउट हो गया। 7:30 होने को आ गया है और मैं आ चुका हूँ मॉल रोड की शुरुआत में। अब घूमते हैं मॉल रोड और सैटरडे नाइट इन नैनीताल शहर कैसी है, वीकेंड नाइट देखा जाए तो। खैर मॉल देखा जाए तो बढ़िया हो रहा है, क्राउड काफ़ी है ऑफ सीजन के हिसाब से अगर बात करता हूँ, नहीं तो भाई सीज़न में तो हालत ख़राब रहती है नैनीताल शहर की। तो अच्छा क्राउड देखने को आज मिल रहा है, बढ़िया चहल पहल है, वेदर अच्छा हो रहा है और एक चीज़ है भाई ठंडा नहीं है। लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं ना, तो बारिश हो रही है एक दिन छोड़ के, एक दिन हो रही है एक दिन नहीं हो रही है, क्या ठंडा हो रहा है क्या, गर्म कपड़े रख कर लाने की ज़रूरत है? तो गाइज मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ गर्म कपड़े आपको लाने की ज़रूरत है। शाम की आरती हो रही है, घंटे घड़ियालों की आवाज़ मुझे मॉल रोड यहाँ तक आ रही है यार। कितना खूबसूरत लगता है ना हमारा नैनीताल शाम को, देख रहो पानी में झिलमिलाट होती भी, ये पूरा ही एरिया कितना खूबसूरत है। और ये रहा माँ पाषाण देवी मंदिर। अच्छा मुझसे ना बहुत लोगों ने एक चीज़ बोली माँ पाषाण देवी मंदिर के लिए कि यहाँ पर एक पानी दिया जाता है और वो पानी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो के हकलाते हैं या स्टैमर करते हैं ना, तो वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि ये पानी कब बटता है। लेकिन गाइस यहाँ पर मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है, ऐसी क्वेरी मेरे पास 2-3 बार आ चुकी है। अब ऐसा किसी दिन मैं क्या करूँगा, मंदिर जाऊँगा वहाँ पंडित जी जो है ना उनसे पर्सनल जाके पूछूंगा कि ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर इस पर भाई एक वीडियो बनाऊंगा। आज का दिन कैसा रहा देख लिया ना। कृष्णा क्या कर रहे हो आप, बैठ जाओ। सो ठीक हो गया फिर, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू enjoy the video. At last आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तरा।